हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती कैश जोन। NC6 ओपनिंग के बारे में अभी बात चल रही है दोस्तों, सीरीज पूरी चल रही है। तो E4 अगेंस्ट NC6 बेस्ट रिप्लाई, और आप सभी लोगों को ये ओपनिंग खेलने में बहुत मजा आएगा क्योंकि कुछ नॉवेल्टी आपको मिल जाएगी और वाइट को भी सरप्राइज लगेगा और इसका फायदा आपको बहुत सारे वेरिएशन में मिलने वाला है। तो वन बाय वन सारे वेरिएशन मैंने आपको दिखाए हैं, आज भी एक और वेरिएशन NC6 में देखने वाले हैं। तो E4 NC6 फर्स्ट मूव, यहाँ से अलग अलग चॉइस हमने देखी थी लास्ट टाइम, पहले वीडियो में देखा था D4 देन E5 D-Tex E5 वाले और D5 वाले सारे वेरिएशन मैंने आपको बता दिए हैं। आज हम देखेंगे नाइट F3 सेकंड मूव वाइट खेलता है नाइट F3। हो सकता है वाइट चाहता है कि आप नेक्स्ट मूव में E5 करो, उसके बाद वो स्क्वाच गैम्बिट खेल सके, रुई लोपेस खेल सके, बिशप C4 बिशप लाइन खेल सके, लेकिन हम इसे सरप्राइज करेंगे न्यू मूव के साथ F5। F5 के बाद दो वेरिएशन यहाँ पे मेनली है दोस्तों, एक तो है पॉन E5 और दूसरा जो है नाइट H4। ये दो वेरिएशन वाइट के पास है ज्यादातर। अगर ई क्रॉस F4 करता है तो सेंटर पूरे आपके कंट्रोल में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके बाद। तो यहां पे देखते हैं पहला वेरिएशन जो नाइट H4। नाइट H4 इसलिए कि क्वीन H4 चेक देन G6 नाइट टेक G6 वाला वेरिएशन है। यहां पे आपको कोई भी फिकर करने की जरूरत नहीं है, सिंपल F क्रॉस E4 कैप्चर कर लेना है। क्वीन H4 चेक से आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्वीन H4 G6 और नाइट G6 बहुत सारे लोग ऐसे सेक्रीफाइस देते हैं, लेकिन ये प्री मैच्योर सेक्रीफाइस है, इससे कोई फायदा होगा नहीं। ब्लैक से आपको रिप्लाई देना है नाइट F6। अब आप क्वीन पे अटैक करते हो तो क्वीन H3 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट मूव में D5 और डिस्कवर्ड अटैक के साथ अगर व्हाइट ने क्वीन H3 खेला यहाँ पे, तो आप यहाँ पे D5 करके डिस्कवर्ड अटैक करके फिर से व्हाइट के पास एक ही ऑप्शन रहेगा क्वीन H4। तो पहले से ही अगर व्हाइट चाहता है कि टेम्पो नहीं मिले तो यहाँ पे व्हाइट खेलेगा क्वीन H4। क्वीन H4 के बाद यहाँ आपको खेलना है रुक G8। रुक G8 के बाद नाइट क्रॉस F8 एक ही ऑप्शन है व्हाइट के पास, ओनली वन ऑप्शन, क्योंकि नाइट F5 में सिंपली रुक टू G4 और यहाँ पे आपको नाइट मिल रहा है। तो यहाँ पे व्हाइट खेलेगा नाइट क्रॉस F8, रुक क्रॉस F8, यहाँ पे सिंपल व्हाइट खेलेगा बिशप E2, शॉर्ट कैसलिंग की प्लानिंग है, और दूसरा प्लानिंग है बिशप चेक। बिशप चेक से कोई डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको खेलना है यहाँ पे D5। अब बिशप H5 के बाद नाइट क्रॉस H5, रुक क्वीन क्रॉस H5 और रुक F7। उसके बाद व्हाइट करेगा शॉर्ट कैसल और बिशप टू F5, देन सिंपल बिशप G6 और क्वीन D6 और लॉन्ग कैसल, कंप्लीटली आपका डेवलप हो गया और व्हाइट के किंग साइड जबरदस्त अटैक मिल रहा है। तो इस पोजीशन से खेलने में कोई भी दिक्कत नहीं है ब्लैक को, बहुत ही मजा आएगा दोस्तों। दूसरा वेरिएशन देखते हैं, नाइट H4 के अलावा व्हाइट के पास जो बेस्ट रिप्लाई है स्टार्टिंग मूव में वो है E5। एडवांस कर देना पॉन को, E5 के रिप्लाई में आपको यहां खेलना है D6। अब D6 में E-Tex D6 में आपका डेवलपमेंट होगा E-Tex D6, लेकिन नॉर्मली लोग बिशप टू B5 खेलते हैं, पिनिंग करते हैं नाइट को, तो BB5 के रिप्लाई में आपको यहाँ खेलना है D-Tex E5। व्हाइट को एक जानबूझ के टेम्पो दे रहे हैं हम नाइट क्रॉस E5 पर। अब दोस्तों यहाँ आपको बेस्ट मूव है क्वीन T5 विथ डबल अटैक ट्रिपल अटैक ऑन G2, क्वीन टेक्स नाइट और क्वीन टेक्स बिशप। तो बेस्ट चॉइस दो चॉइस है यहाँ पे, एक तो है नाइट क्रॉस C6, दूसरी चॉइस है क्वीन E2। तो यहाँ पे दोनों चॉइस देख लेते हैं व्हाइट की ओर से क्या रिप्लाई आता है। सबसे पहले देखते हैं क्वीन E2। क्वीन E2 में आपको खेलना है क्वीन टेक्स G2।
फोर्स रुक टू एफ वन, देन नाइट एफ सिक्स। अब दोस्तों रुक एफ वन अगर खेले बिना यहाँ पे वाइट क्वीन एच फाइव करता है तो कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि क्वीन जो जी टू पे है वो जी सिक्स को गार्ड कर रही है और आप सिंपल जी सिक्स रिप्लाई दे सकते हो और भी अटैकिंग आपको मूव्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्वीन जी टू के बाद वाइट के पास बेस्ट ऑप्शन है रूक टू एफ वन, और उसके बाद आपको करना है नाइट एफ सिक्स। चेक भी रोक दिया और आपके दो दो नाइट डेवलप हो गए। अगर वाइट नाइट टेक्स नाइट करता है तो सिंपल बी टेक्स नाइट, और उसके बाद सेंटर में आप ई सिक्स करके बिशप खेल के शॉर्ट कैसल करके आराम से गेम खेल सकते हो, बहुत ही मजा आएगा। अब देखते हैं क्वीन ई टू के बदले दूसरा जो रिप्लाई है नाइट क्रॉस सी सिक्स। नाइट क्रॉस ई सिक्स में सिंपल आपको बी क्रॉस ई सिक्स करना है, बिशप टू ए फोर, और यहां आपको ई सिक्स डार्क स्क्वायर बिशप को ओपन करना है। ई सिक्स के बाद वाइट खेलेगा डी फोर बिशप ओपन करने के लिए, सिंपल रुक बी एट सबसे पहले करो ताकि बिशप आउट नहीं होए और आपको यहाँ पे बी टू पे थ्रेट लगी रहे। तो रुक बी एट के बाद वाइट खेलेगा बिशप बी थ्री, और यहाँ आपको रिप्लाई देना है बेस्ट चॉइस है क्वीन जी टू। दोस्तों ये पोजीशन में नाइट सी सिक्स देख लिया हमने, क्वीन ई टू भी देख लिया। एक और भी मूव है वाइट के पास, सिर्फ डेवलप विथ सपोर्ट डी फोर, अपने नाइट को प्रोटेक्शन दे रहा है, बिशप ओपन हो रहा है। यहां आपको सिंपल खेलना है बिशप टू डी सेवन, बी डी सेवन के बाद नेक्स्ट थ्रेट है नाइट टेक्स ई फाइव। तो यहां पे वाइट आपका नाइट टेक्स बिशप कर ले नाइट डी सेवन, और यहां आपको करना है क्वीन टेक्स डी सेवन। इसी पोजीशन में दोस्तों एक और भी मूव है क्वीन टू एच फाइव, क्वीन एच फाइव और नाइट जी सिक्स, ये दो मूव है उसके पास। क्वीन एच फाइव के रिप्लाई में आपको सिंपल जी सिक्स खेलना है, जी सिक्स के बाद नाइट टेक्स जी सिक्स, और यहां सिंपल क्वीन ई फोर चेक। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यहाँ नाइट एफ सिक्स वर्क नहीं करेगी, क्योंकि नाइट एफ सिक्स में डिस्कवर चेक से सामने आपकी क्वीन लॉस हो रही है, उसके बाद नाइट सी सेवन फोर्क आ रहा है, जैसे कि नाइट एफ फोर देन नाइट टेक्स क्वीन नाइट टेक्स क्वीन, और ये पोजीशन वाइट की फेवर में आती है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पहले आपको क्वीन ई फोर करना है, चेक देना है। वाइट खेलेगा किंग डी वन या किंग एफ वन, तो किंग डी वन के बाद आपको खेलना है नाइट एफ सिक्स ताकि डिस्कवर में कोई थ्रेट ना आए और आप क्वीन प्लस हो सको। वाइट रिप्लाई देगा क्वीन एच फोर एक्सचेंज, और यहां पे आपको खेलना है क्वीन टेक्स जी। क्वीन जी टू के बाद अब ये गेम टोटली ब्लैक की फेवर में दोस्तों, क्योंकि सामने काउंटर में आप रुक मार रहे हो। चलिए यहां पे एक मूव हम चेंज करते हैं, क्वीन चेक में अगर व्हाइट ने किंग एफ वन किया कि आप क्वीन जी टू को अटैक कर रहे हो, तब भी आपको खेलना है नाइट एफ सिक्स क्वीन एच फोर एच क्रॉस जी सिक्स क्वीन क्रॉस एच एट क्वीन क्रॉस सी टू, यहां भी सब पे थ्रेट है। नाइट सी थ्री ओनली बेस्ट चॉइस, और यहां पे सिंपल बिशप टी सेवन। अब इस पोजीशन में आप देख सकते हो कि ब्लैक रुक डाउन है, एक्सचेंज डाउन है,
लेकिन कंप्लीटली गेम ब्लैक के फेवर में, क्वीन आउट ऑफ प्ले है, बिशप ओपन नहीं हुआ है, दोनों रूक एक्टिव नहीं है और सिर्फ ये अकेला बिशप काम कर रहा है। आप लॉन्ग कैसल करोगे उसके बाद कंप्लीटली गेम आपके हाथ में आ जाएगी, तो ये भी ब्लैक के फेवर में है। G3 यहाँ पे एक और मूव है G3। गेम आगे कैसे कंटिन्यू होती है दोस्तों, ज्यादातर व्हाइट प्लेयर किंग डेवलप करने के लिए G3 खेलेगा। यहाँ पे सिंपल आपको A6 करना है, बिशप A4 जो क्वीन पे अटैक कर रहा है, क्वीन को भगाने की प्लानिंग है, क्वीन D3 चेक देना है, क्वीन और किंग G2 के बाद सिंपल लॉन्ग कैसल। अब ये गेम आपके फेवर में है। G3 के बदले हो सकता है यहाँ पे एक और भी मूव मैं बता रहा हूँ आपको वाइट की ओर से। चलिए यहाँ पे क्वीन H4, अगर क्वीन एक्टिव करने के लिए क्वीन H4 तब भी आपको लॉन्ग कैसल करना है, क्वीन A4। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे एक्सचेंज डाउन और वाइट एक्सचेंज करना चाहता है, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्वीन टेक्स A4, बिशप टेक्स A4, देन D5 और ये तीनों सेंटर में आपके पॉन है, सारे पीसेस एक्टिव है और इस पोजीशन में ब्लैक को ही फायदा है, एडवांटेज है। तो दोस्तों ये थी हमारी एंसे 6 की आज की लाइन, इसका नाम कोलोराडो गैम्बिट भी है। तो ये सारे लाइन अब तक मैंने एनसी 6 के बहुत सारे वीडियो कंटिन्यूज आपको दिए हैं, तो सभी वीडियो देख के अपनी ओपनिंग प्रिपरेशन करके अच्छे से गेम खेलिए, 100% आपको एडवांटेज मिलेगा, फायदा मिलेगा। जल्द ही मिलेंगे और भी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय गुजरात।